रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग 9 ग्रहों को मानते हैं, उसको जानते हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारे सभी ग्रह हमारे फेवर में हों, हमारा कोई भी ग्रह हमारा दुश्मन ना हो, हमसे नाराज़ ना हो, ताकि हम सबकी लाइफ में तरक्की रहे हमेशा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीका जानेंगे कि हम अपने ग्रहों को बैलेंस रख पाएँ। दोस्तों, किसी की लाइफ में कभी राहु ग्रह उनके खिलाफ होता है तो कभी बुध, कभी शनि, कभी शुक्र, कभी मंगल का दोष होता है। कोई ना कोई दोष किसी न किसी ग्रह में, किसी न किसी राशि में हमेशा आप फंसे ही रहते हो। दोस्तों, आज एक ऐसा सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसे सिंपल ट्रिक्स और टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से सभी ग्रहों को अपने फेवर में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम सभी ने ऐसा कभी सुना होगा या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो संत महात्मा थे, वो हमेशा से कहते थे ये जो पूरी सृष्टि बनी है ये कण कण से बनी है, ये पूरी सृष्टि ऊर्जा से बनी है, एनर्जी से बनी है। आज साइंस भी इस बात को मानता है कि आप हो, मैं हूँ, ये धरती हो, ये चांद सितारे हों, सब चीज़ ऊर्जा से बनी है, एनर्जी से बनी है। चाहे वो राहु हो या केतु हो, वो शनि हो या मंगल हो, एवरीथिंग इज एनर्जी। दोस्तों, बस ये एनर्जी का थोड़ा इनबैलेंस है जिसको हमने बैलेंस करना है, जिसको हम दोष कह देते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हो। दोस्तों, हमारे भगवान लोग शुरू से कहते थे कि प्यार से सबको जीता जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्यार से आप किसी भी ग्रह को जीत सकते हो। इन ग्रहों को चाहिए क्या? इनको चाहिए रिस्पेक्ट, प्यार, आपका आदर। जी हाँ, अगर आप अपने ग्रहों को याद करें, उनको थैंक्स करें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनका सम्मान करें, उनको अपनी लाइफ के हर जो सुख दुख में याद करें, साथ रखें, तो अगर वो दुश्मन भी होंगे तो आपके दोस्त बन जाएंगे। जिस दिन आप अपने दिल से उनको बुलाओगे, जिस दिन अपने दिल से उनको प्यार भेजोगे, सम्मान भेजोगे, तो आपके सारे ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह की कुछ टेक्निक हम रेकी में करते हैं। रेकी हीलिंग मेडिटेशन में हम अपने ग्रहों को हीलिंग भेजते हैं। जो आपके ग्रह जो दूषित होते हैं, दोष में होते हैं, जो आपके फेवर में नहीं होते, पॉजिटिव एनर्जी जब वहाँ जाती है, आपके और उनके बीच में जो भी इनबैलेंस है वो निकलना शुरू हो जाता है, सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जो ग्रह आज आपके फेवर में नहीं है, कुछ टाइम बाद वो आपके फेवर में हो सकते हैं। रेकी हीलिंग सीख के, रेकी हीलिंग करवा के, इवन कि रेकी में कई तरह से हीलिंग्स होती है जहाँ आप ग्रहों को हील कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ एक और मैं आपको उपाय बताना चाहूँगा। जैसे हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं, हमारे 7 चक्र यूनिवर्स से कनेक्शन में होते हैं, हर ग्रह से कनेक्ट करते हैं। हमारे चक्र का और हर ग्रह का एक डीप कनेक्शन होता है। अगर वो ग्रह हमारे फेवर में नहीं है तो हमारा चक्रा भी परेशान रहता है, वो इनबैलेंस होता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाता। अगर हम अपने चक्रा को हील कर दें, किसी तरह चक्रा को बैलेंस कर दें, तो वो ग्रह भी हमारे फेवर में आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, रेकी के माध्यम से आप अपने चक्रा को हील कर सकते हो। इसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 7 चक्रा के क्रिस्टल हैं। इन चक्रा के क्रिस्टल से आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। ये क्रिस्टल ही, ये स्टोन ही आपके ग्रह से कनेक्शन करते हैं, आपके ऑरा के अंदर वो शक्ति लेके आते हैं, वो पावर, वो वाइब्रेशन लेके आते हैं जो उन ग्रहों को पसंद है। आप अगर इस तरह के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप रेकी हीलिंग का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने ग्रहों को याद करेंगे और थैंक्स करेंगे, प्यार भेजेंगे, तो आपकी कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताएं हमें आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो।
अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल का बटन दबाएं, ताकि इस तरह की बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो आपको डेली मिलती रहे और आपका हो आध्यात्मिक विकास। धन्यवाद।